नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए और इसके साथ अब ये स्पष्ट हो गया, ये साफ हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि NDA ने बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीट के साथ बहुमत के साथ जीत हासिल की है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अभी मैं खड़ा हूं यहां पर, अभी पटना में, बिहार की राजधानी पटना का ये जदयू कार्यालय है, जहां पर जदयू कार्यालय के पीछे आप देख सकते हैं कपूरी सभागार है, जहां पर अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी हैं, जदयू के अन्य कार्यकर्ता पहुंचे हैं और यहां पर अभी फिलहाल कपूरी सभागार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं साथ ही साथ कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीट के साथ NDA की बहुमत के साथ जीत हुई है, तो वहीं विपक्षी जो है महागठबंधन 110 सीट के साथ महागठबंधन जो है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में हार महागठबंधन को मिली है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया, लगातार तेजस्वी जो है महागठबंधन की तरफ से लगातार NDA पर निशाना भी साध रहे हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BJP कार्यालय में ये साफ भी कर दिया है। और मैं आपको बता दूं एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच में कि बिहार के डिप्टी CM को लेकर, बिहार के डिप्टी CM हो सकता है कि इस बार बिहार के डिप्टी CM चेंज हो जाए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार के डिप्टी CM के तौर पर BJP की तरफ से कामेश्वर चौपाल का नाम गया है। हो सकता है कि कामेश्वर चौपाल जो हो वो बिहार के अगले डिप्टी CM हो, लेकिन क्या कुछ साफ होने वाला है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। 16 नवंबर को मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री आवास में आज बैठक भी हुई और 16 नवंबर को ये बताया गया है कि विधायक दल की भी बैठक होगी और उस दिन बहुत बड़े बड़े फैसले भी लिए जाएंगे, कई अहम बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो क्या कुछ होता है इसके लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। और थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा इंतजार अब, क्योंकि कुछ दिनों में 16 नवंबर का से कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से नीतीश कुमार शपथ ग्रहण भी करेंगे। तो कब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे, कब विधायक दल की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले निकल के सामने आएंगे, इसके लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ पर जदयू कार्यालय में और ये मेरे पीछे कपूरी सभागार आप देख सकते हैं, जहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे हैं और यहाँ पर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार अभी जो सत्ता पक्ष सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, जो उनके लिए लगातार वो अभी बैठक उनकी चल रही है। CM आवास पर भी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक किया और साथ ही साथ अब वो सीधे अपने जदयू कार्यालय पहुंचे हैं। ये नीतीश कुमार का ही दफ्तर है जहाँ पर वो पहुँचे हैं और मेरे पीछे कपूरी सभागार है और अंदर में नीतीश कुमार अभी बैठक कर रहे हैं और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। धन्यवाद।